कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग दो का अध्याय नंबर एक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो व्याख्या होती है, जो संदर्भ प्रसंग रहेगा, किस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। देखिए, आत्मपरीक्षा नामक पाठ है आपका और एक गीत भी इसी में ऐड है, लेकिन मैं वो अलग से करवाऊँगा। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता है, ये रही हरिवंश राय बच्चन जी। और यहाँ पे सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे, उसके बाद जो पंक्तियाँ हैं आपकी, है ना, उन्हें समझते हुए किस प्रकार से उनमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनको समझते हुए हर एक यहाँ पे वाक्यांश का, यानी कि आपके काव्यांश का यहाँ पे अर्थ बताते हुए मैं आपको उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताऊँगा। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे पेपर में लिखना है, है ना, तो वो तरीका यहाँ पर बताया गया, बहुत ही सरल भाषा में ये है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि एक गाइड की भाषा होगी जो आपकी, है ना, बुकलेट्स वगैरह आती हैं उनकी, नहीं, बिल्कुल सरल भाषा और एक क्लास में टीचर के द्वारा नोट्स तैयार कराए गए हैं उनकी लैंग्वेज यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्दों में लिखी गई है। ओके, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। ओके, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कविता का परिचय हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं जो है प्रकाश डाला है, यानी स्वयं इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे कविता लिखी है। सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे कि वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं, कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है, है ना। तो कवि ने लगभग लगभग यहाँ पे अपने ही बारे में इस कविता में यहाँ पे जो है आह्वान किया है, बताया है, तो वो ही इसमें लिखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपके पाठ का नाम क्या है, आत्मपरिचय, इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, ओके, है ना, जो कि हमारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ओके, याद रखिएगा, काव्यांश नंबर एक है आपका, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे आपका पहला काव्यांश है, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो आपको कठिन शब्द जो भी लग रहे हों तो उनको समझ लीजिएगा। देखिए, भार, इसमें मुझे लग रहा है कि भार अगर किसी को समझना है तो बोझ या कठिनाई, है ना, यहाँ पे भार का मतलब बोझ एक प्रकार से, इसे इसके लिए यूज किया गया, उसके झंकृत, तो झनझन की आवाज़ या झंकार, यानी कि कंपन टाइप एक तरीके से, है ना। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, है ना, किसी ने, यहाँ पर किसी को कहा नहीं है, किसी ने, है ना, तो यहाँ पर किसी की बात की जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपना परिचय दिया है, तो यहाँ पे प्रसंग, देखिए यहाँ को संदर्भ बिल्कुल सबका सेम है, और लास्ट में बताऊँगा कि क्या लिखना है। ओके, संदर्भ और विशेष दोनों यहाँ पर आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे, आपको वही हर स्टैंजा में लिखने होंगे। ओके, तो प्रसंग सबका अलग अलग रहता है, इसलिए मैंने बता दिया पहले। देखिए, इसकी व्याख्या क्या रहेगी यहाँ पे, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन का परिचय दिया है, वह कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक गतिविधियों से भरा हुआ है, मैं उनका सजग निर्वहन करता हूँ, है ना, सांसारिक गतिविधि, है ना, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यही तो वो कह रहे हैं, है ना, भरा हुआ है, मैं जग सजग उनका निर्वहन करता हूँ, उनके संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरा जीवन प्रेम रस से भरा है, है ना, मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी प्रिय ने एक बार मेरे मन की वीणा की भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया है। वो कहते हैं ना कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, है ना, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले किसी प्रिय ने एक बार मेरे मन की वीणा की भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया है ना, यानी कि झंकृत यानी क्या, एकदम से झंझना या कंपन, मतलब बिल्कुल हिला के रख दिया, ऐसा कहा उन्होंने, है ना, उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, मैं उसी प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता हूँ, है ना, कर दिया कृषि ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में कह रहे हैं वो, उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, मैं उसी प्रेम तरंग के साथ, है ना, तार, सांसों के तार, है ना, यानी कि प्रेम तरंग, तरंग मतलब आप समझ ही सकते हैं, तार एक तरीके से, है ना, एक फैला हुआ, है ना, तो प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीता हूँ, है ना, वही लिए कभी फिर रहा है, तो ये उन्होंने इसमें कहा है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे इसमें बताया गया है, तो यही आपको लिखना है, और बिल्कुल आपको यहाँ पे कठिनाई वाली लैंग्वेज में नहीं जाना है। ओके, सेकेंड काव्यांश आपका आता है, यहाँ पे कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं स्नेह सुरा का मतलब क्या है, देखिए प्रेम की मदिरा है ना, प्रेम रूपी। स्नेह का मतलब आप समझ सकते हैं प्रेम है ना, और सुरा का मतलब क्या होता है, मदिरा है ना, शराब या मदिरा है ना। का पान, पान का मतलब क्या होता है, पान का मतलब होता है पीना है ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं मैं स्नेह सुरा का यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, यानी कि प्रेम रूपी मदिरा को पीता हूँ, और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं सांसारिक मतलब ये संसार, सांसारिक की अन्य इन बातों में नहीं फिरता हूँ, मैं इनको नहीं सोचता हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, उन्हें जग से कोई मतलब नहीं है, है ना। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती, वो कहते हैं जग उसी को पूछता है जो जग की, जग का गुणगान कर रहे हैं। जग की गाती मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं किसी के कहे में नहीं चलता हूँ, ना मुझे जग से कोई मतलब है, मैं अपने मन का ही जो है गान किया कर रहा हूँ। चलिए इसका देख लेते हैं आगे। स्नेह का मतलब प्रेम, प्रेम है। सुरा का मतलब शराब या मदिरा, पान का मतलब पीना। ओके, तो इन तीनों का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। प्रसंग में आपको क्या लगना है कि इस काव्यांश में कवि ने अपने मनमोजी जीवन का वर्णन किया है ना, वो बता ही रहे हैं कि मैं क्या क्या किया करता हूँ, तो वही वो अपने मनमोजी जीवन का जो वर्णन करते हैं वही लिखा गया। ओके, तो व्याख्या में आप लिखेंगे सबसे मेन पार्ट है, ना। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, या कि पान करता हूँ या पीता हूँ। ओके, तो मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं किया करता हूँ। कवि के अनुसार संसार बड़ा स्वार्थी है, यहाँ केवल उन्हीं की पूजा होती है जो संसार की प्रशंसा करते हैं। यहाँ कहा ही जा रहा है ना कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब जग उन्हीं को पूछता है जो जग की प्रशंसा करते हैं, जो जग की गाते हैं, है ना। संसार बड़ा स्वार्थी है। ओके, तो कवि कहता है कि मैं तो देश दुनिया से बेखबर होकर अपने मन के भावों के गीत गाता रहता हूँ, है ना। उसे देश दुनिया से, संसार से कोई मतलब नहीं है, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। ओके, तो ये होता है कंप्लीट। चलिए काव्यांश नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आता है काव्यांश नंबर 3, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्नों के, स्वप्नों का मतलब सपने होते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे, पता ही होगा आपको। निज का मतलब होता है हमेशा, है ना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, है ना। उपहार भेंट या तोहफे, आप सभी को बता हुआ उपहार है ना। अपूर्ण अधूरा, भाता अच्छा लगना, इसी के शब्द बताए जा रहा हूँ मैं आपको, है ना, है ना। उर का मतलब क्या होता है, मन, है ना। उद्गार का मतलब होता है दिल के भाव, है ना। तो कहते हैं ना कि मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, हमेशा मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब क्या होता है, मन होता है। तो मैं निज यानी कि मैं जो है हमेशा मन के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार यानी कि दिल के भाव लिए फिरता हूँ, मैं प्रेम रूपी भाव हमेशा लिए फिरता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ना। निज और वही शब्द फिर से आए, तो निज का मतलब क्या है, हमेशा। और का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं मन, है ना। पर तो मैं क्या कहते हैं, तो मैं हमेशा मन के जो है उपहार या भेंट या तोहफे लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये जो संसार है ये मुझे नहीं भाता है, मैं इससे बिना किसी मतलब के, मतलब दूर ही रहता हूँ, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता, है ना। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने सपनों की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया है ना, कल्पना का संसार, इसमें खोया रहता हूँ। तो कभी यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने हृदय के भाव व्यक्त किए हैं, तो यह अपने हृदय के भावों को व्यक्त किए जा रहे हैं कवि, तो देख लेते हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों और प्रेम भरे उपहारों के लिए को लिए फिरता हूँ, इन्हें मैं गीताओं में ढालकर दुनिया भर में फैलाना चाहता हूँ। कवि के अनुसार उसे यह बाहरी संसार अधूरा प्रतीत होता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह तो इस स्वार्थी और आडंबरों से भरी दुनिया में रहने के स्थान पर अपने सपनों के प्रेममय संसार में विचरण करना चाहता है ना। तो वो कह रहे हैं ना कि मैं, देखिए, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। फिरता का मतलब क्या होता है, विचरण करना या घूमना, एक तरह से विचरण करना चाहता हूँ, है ना, घूमना, है ना, फिरना। तो यही हो जाए, आडंबर जैसे शब्दों का यदि उपयोग आपको नहीं करना है तो नहीं कीजिएगा, ये यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना आप कर लीजिएगा इतना। चलिए काव्यांश नंबर 4 है आपका, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, है ना।
मैं जला, मतलब ये कभी ये नहीं करा कि मैं जला, है ना, कभी ये कह रहे हैं कि मैं जला के हृदय में अग्नि, है ना, मैं अग्नि जला करके हृदय में दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, है ना। कभी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, यानी कि अग्नि जलाया करता हूँ, है ना, तो भाव रूपी, है ना, प्रेम रूपी, है ना, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख और दुख दोनों में मगन रहता हूँ। ज़्यादा सुख हो जाए तो ज़्यादा सुखी भी नहीं होता, और अगर दुख आ जाए तो बिल्कुल विकल नहीं हो जाता हूँ, बिल्कुल थक नहीं जाता हूँ, हार नहीं जाता हूँ, टूट नहीं जाता हूँ, है ना, दोनों में मैं मगन रहता हूँ, दोनों में मेरी एक सी जो है यहाँ पर अवस्था रहती है। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, है ना, जग क्या है, जग यानी कि दुनिया, है ना, जग संसार, संसार के लोग क्या हैं, वो भाव सागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं, कई साधन ढूंढते हैं कि भाई इससे तर जाएं, इससे इसके जो हमारी जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निपट जाएं, है ना, नाव बनाए, है ना, कई कई साधन लाता है ना। लेकिन मैं क्या है, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं संसार रूपी समस्याओं से उलझा रहना चाहता हूँ, इन्हीं में मस्त रहना चाहता हूँ, है ना, मैं मस्त बहा करता हूँ। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने सुख दुख दोनों के प्रति सम भाव रखने की बात कही है ना, सम भाव, इस तरीके से मैं आपको अलग करके दिखा दूं, लिख दूं ताकि समझ जाएं, ओके, सम भाव करने की बात कही है, ओके। व्याख्या में क्या कहेंगे, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें जला करता हूँ, और सुख और दुख में हमेशा मस्त रहा करता हूँ। अर्थात क्या कहते हैं वो, कि सुख के क्षणों में ना तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, ना ही दुख के समय में ज़्यादा विकल होता हूँ। इस संसार के लोग जो हैं संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए कई प्रकार के साधन एकत्र करते फिरते हैं, जबकि कवि विपदा रूपी संसार की प्रचंड लहरों में ही रमा रहना चाहता है ना, विचरण करना चाहता, उसी में जो है मस्त रहना चाहता है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। कभी कहता है ना कि मैं संसार रूपी सागर की तरंगों में मस्त होकर रहता है, मतलब वो रहता है, उसे संसार के लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना, ये आपकी व्याख्या रहेगी। काव्यांश नंबर 5 है आपका, मैं यौवन का अनुमाद लिए फिरता हूँ। देखिए नीचे मैं आपको विशेष बताने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको संदर्भ की संदर्भ में आपको क्या लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे, और विशेष में क्या लिखना है ना, तो बिल्कुल से आपको यहाँ पे वो उसी तरीके से लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा, और विशेष में जो आपको बताऊंगा वो आपको ज़रूर से लिखना है, क्योंकि आप जब विशेष लिख देते हैं ना अपने जो व्याख्या आती है ना उसमें, तो आपका एक भी अंक नहीं कटता है ना। देखिए पढ़ेंगे इसे, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे कवि ने लिखा है कि मैं यौवन, यौवन क्या होता है, तो यौवन ये जवानी का समय होता है ना, किशोरावस्था के बाद जो युवावस्था का समय आता है उसे यौवन यहाँ पे का उन्माद, उन्माद का अर्थ होता है सनक या सनकी कह सकते हैं ना, उन्मादी व्यक्ति है ना, तो यहाँ पे सनकी व्यक्ति पागलपंथी तरीके से, ओके, तो पागलपन को लिए फिर रहा हूँ, है ना, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी कि इसी पागलपन में मैं अवसाद या दुख निराशा लिए फिर रहा हूँ। कभी कभी मैंने जो है जो यौवन की उन्मादों की मतलब अपनी पागलपन रूपी सनक से मैंने क्या किया है, कई बार निराशा हासिल की है, अवसाद हासिल किए हैं ना, अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इस कवि ने क्या है इस प्रस्तुत जो इस काव्यांश में कवि ने क्या है क्या कहा है, कवि ने अपने विरोधाभास मूलक सामंजस्यों का जो है वर्णन किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो कभी कहता है कि मैं यौवन की तरह जवानी का पागलपन लिए चारों ओर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मेरे पागलपन के कारण मुझे जीवन में कई बार निराश भी होना पड़ता है। आगे कभी कहता है कि मैं किसी प्रिय की याद में अंदर से दुखी रहता हूँ, है ना, ये यहाँ पे कहा गया है ना, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, है ना, तो वो कहते हैं कि किसी प्रिय की याद में अंदर से दुखी रहता हूँ और बाहर से आगे ओंठों पर मुस्कान दिखाई देती है, मैं अपने प्रियतम की याद में मन ही मन रोता फरता हूँ, अर्थात किसी की याद अंदर से मुझे बहुत दुख पहुँचाती है, इसका अनुमान बाहर से जो लोग मुझे देखते हैं वो नहीं लगा सकते क्योंकि मैं उनके सामने मुस्कुराता हूँ, है ना, तो ये कभी कहते हैं, है ना। इसके बाद काव्यांश नंबर 6 में यहाँ पे बताया गया, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना, किस फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर
भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पे कठिन शब्द बताए गए हैं, यत्न नादान दाना मूढ़, तो ये सारे बताए गए हैं। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न या प्रयास, ना नादान ना समझ, तो ये रहेगा। इसके बाद दाना, जो अन्न का एक कण होता है या बीज छोटा सा, उसे दाना कहते हैं। इसे इसके लिए यहाँ पे बुद्धिमानी भी यहाँ पे बताया गया है। मूढ़ यानी कि जो नासमझ होता है, परम मूर्ख कह सकते हैं जिसे। इसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे हम, प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जीवन के वास्तव के यत्न की खोज का, वास्तव के जो प्रयास हैं उसके उसकी खोज का जो है वर्णन वो करते हुए यहाँ पे क्या लिख रहा है। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में अनेक महापुरुषों ने यत्न की खोज के लिए निरंतर प्रयास किए, किंतु उन्होंने अनगिनत प्रयत्नों के बाद सत्य की खोज नहीं कर पाई। यानी कि सत्य, देखिए हर एक इंसान यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, हर एक इंसान यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सत्य की खोज नहीं कर पाई है ना, कि सत्य क्या है ना। कभी कहते हैं कि संसार में ज्ञानी और समझदार लोगों के बीच मूर्ख और नासमझ लोग भी रहते हैं, है ना। इस पर भी यह नासमझ संसार सीख नहीं लेता, इसलिए मैं सत्य की खोज की प्रक्रिया में इस दुनियादारी के सीखे हुए भौतिक ज्ञान को भुलाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ, है ना। कभी सत्य की खोज कर रहा है, वह इस दुनियादारी का जो ज्ञान है उसे भुलाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है ना, यत्न कर रहा है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे, ओके। इसके बाद सातवें नंबर का आपका काव्यांश है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया है इसमें नाता का जो अर्थ है संबंध या रिश्ता, वैभव ऐश्वर्य धन दौलत सुख शांति समृद्ध, है ना, पग या पैर कह सकते हैं, ओके। प्रसंग में क्या लिखना है आपको, प्रस्तुत काव्यांश में संसार के स्वयं द्वंद्वात्मक के संबंधों में बताया गया है। तो कवि कहते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा स्वभाव दुनिया से अलग है, मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। मैं तो न जाने कितने काल्पनिक संसार रोज बनाकर मिटा देता हूँ, है ना। और कवि कहते हैं कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं, मैं उससे प्रभावित हुए बिना प्रत्येक बार उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ, है ना। तो कभी इस तरीके से यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि कभी मैं और जग और कहाँ का नाता, है ना, कि मेरा और जग का कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं रोज ही कितने जग बना के मिटा देता हूँ, फेंक देता हूँ, है ना। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मतलब संसार के जो लोग हैं पृथ्वी पर, वैभव मतलब जो धन दौलत की चीज़ें हैं, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य, ये जोड़ना चाहते हैं, मतलब जोड़ जोड़ के रखना चाहते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं ऐसे जो वैभव को है पृथ्वी पर नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके बाद अगला है आपका आठवें नंबर का काव्यांश, इसमें कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देख सकते हैं कठिन शब्द इसके थोड़े ज़्यादा हैं। रोदन यानी कि रोना या विलाप करना, राग का प्रेम, आग अग्नि, इस तरीके से आप ये पूरे पढ़ लेंगे, ओके। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसके प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने भाव स्वभावगत विशेषताओं का जो है वर्णन किया है। देखिए मैं आपको केवल यहाँ पर समझाने के लिए कठिन शब्द बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर आपको पेपर में नहीं लिखना है ना। तो ये आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर बता के रखें, है ना, कि आप समझ जाएँ आसानी से। तो कवि इसमें अपने स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी कहते हैं कि मैं अपने रोने में किसी से स्नेह करता हूँ, मेरी शीतल वाणी में मेरा जोश और ऊर्जा स्पष्ट रूप से व्याप्त है। देखिए इसे लाइंस को देखते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोदन में यानी कि मैं अपने रोने में राग यानी कि प्रेम, मैं अपने रोने में प्रेम लिए फिर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ लेकिन फिर भी प्रेम लिए फिर रहा हूँ, है ना। ये तो कविता में कहा ही जा रहा है स्टार्टिंग से ही, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी जो वाणी है ना, मेरी मीठी वाणी है उसमें मैं आग लिए घूम रहा हूँ, उसमें मैं आग लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहते हैं कि जिस प्रेम के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को तत्काल त्याग देते हैं, जिस प्रेम के लिए मैं उस खंडहर रूपी प्रेममयी यादों को लिए फिरता हूँ, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ।
अगला आपका काव्यांश है नंबर 9 का, है ना। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि आपका एक और काव्यांश 10वें नंबर का बचा है लास्ट, बस और वीडियो खत्म हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, है ना, ये छंद लिखा है यहाँ पे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मतलब जो कभी रोता है, मतलब कभी थोड़ा रोया तो उसको संसार क्या गाना कहता है कि गाना गा रहे हैं। फिर मैं फूट पड़ा, मतलब मैं ज़्यादा जब दुखी हुआ, ज़्यादा रोया तो तुम कहते हो इसको छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ यह एक नया दीवाना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके कठिन शब्द फूट पड़ा यानी कि जोर से रोना, छंद मात्राओं का निश्चित मान है ना, अब पद रचना में छंद का उपयोग, ओके। दीवाना यानी कि पागल, विक्षिप्त। तो प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने हृदय की पीड़ा का जो है वर्णन किया है। व्याख्या में कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रेम के वियोग से उत्पन्न पीड़ा के कारण जब जब रोया तब तब संसार ने लोग, संसार के लोग हैं उससे कह दिया कि ये गाना गा रहे हैं। मेरी पीड़ा जब अत्यधिक बढ़ रही है ना, मैं अधिक वेग से रोने लगा, मैं ज़्यादा रोने लगा, मैं फूट के रोने लगा, तो तुम उसे छंद बनाना कहा, है ना। तो कभी अपने आप को कभी कहलवाना पसंद नहीं करता, वह तो अपनी धुन में मस्त इस दुनिया का एक नया दीवाना है, है ना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, है ना। कभी कहते हैं कि मुझे संसार मत कहो, मुझे संसार कहलवाना पसंद नहीं है, मैं दुनिया का एक नया मस्त दीवाना हूँ, है ना, ऐसा कभी कहते हैं। इसके बाद आपका लास्ट काव्यांश है, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कठिन शब्द आपको अलग बताए गए हैं। मादकता का अर्थ होता है मस्ती या नशा, उन्माद, है ना। निःशेष का अर्थ क्या है, संपूर्ण पूरी तरह से जो है समाप्त, निःशेष, है ना, जहाँ पर शेष नहीं रह जाए। यहाँ पे प्रसंगों का कहा लिखेंगे आप, कवि ने संसार का प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है ना, संसार को है ना प्रेम और मस्ती का जो है संदेश दिया है। कवि लिखते हैं, कवि कहता है कि मैं स्मृतियों में डूबा दीवानों का रूप धारण करके पूरी दुनिया में घूमा फिरता हूँ, है ना, विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने गीतों में छुपी संपूर्ण मादकता को जीता हूँ और प्रेम और श्रृंगार के गीत गाता हूँ, जिन्हें सुनकर सुनने वाले प्रेम में वसीभूत होकर झूमने लगते हैं, भी अपने झूठे घमंड को छोड़ प्रेम की सत्ता के समक्ष झुक जाते हैं। मैं मुक्त अपने गीतों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों के लिए मस्ती का संदेश लिए घूमता हूँ, इधर उधर फिरता हूँ, है ना, फिरता हूँ, ओके। इसके बाद आपको देखिए, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और आपको संदर्भ में क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, संदर्भ में आपको लिखना है सब में यही लिखेंगे सैम, है ना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो की आत्मपरिचय नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जो है इसके रचयिता या कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये आप इतना लिख देंगे, ओके। इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, यही आपको हर एक स्टैंजा यानी कि कोई भी काव्यांश आ जाता है आपसे इनके पाठ का, तो ये आप यही लिखेंगे संदर्भ में। और प्रसंग तो मैंने ऊपर बता ही दिए हैं, और विशेष में भी आपको यही लिखना है, कोई भी काव्यांश आ जाए आपको विशेष में यही लिखना है कि भाषा सरल है, सहज और सरस साहित्य खड़ी बोली है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, कवि ने अलंकारों का भलीभांति सुंदर प्रयोग किया है। तो आप जानकारी टीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाएंगे अगले चैप्टर की, और आपके सारे इसी तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।